Hello everyone, welcome back to my channel Science Tutorial 04. So in this video I'm going to begin with the next Mendelian disorder which is the thalassemia. इसमें हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे फिर इस डिसीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इसी वीडियो में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में ऑटोसोमल लिंक्ड एंड एक्स लिंक्ड रेसेसिव एंड डोमिनेंट ये पूरा जो पॉइंट है इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था. सो यू कैन विजिट टू दैट वीडियो टू गेट इट इन डिटेल. नेक्स्ट इसमें क्या होता है जो RBCs होते हैं वो उनका साइज़ छोटा हो जाता है, वो पेल कलर के हो जाते हैं एंड उसकी जो चेन होती है RBCs की वो टूट टूट के बनती है. पूरी चेन कंप्लीट चेन नहीं बनती है, वो टूट टूट के बनती है चेन इसकी. ठीक, अब क्या होता है ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स माइट नॉट बी, जो पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर हो सकते हैं, वो अफेक्टेड हों ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ द डिसीज दैट अफेक्ट्स बोथ दी सेक्सेस, मेल और इधर फीमेल बोथ दी सेक्सेस. ऑल राइट, सो अब इसमें होता क्या है, जो RBCs होते हैं ये हमें पता है, हम लोग ने क्लास 10 में पढ़ा है कि जो RBCs होते हैं दैट कैरीज द कलरलेस स्पॉन्जी पिगमेंट. ठीक है, RBCs कैरीज हीमोग्लोबिन, उसमें प्रॉब्लम होती है, इसके हीमोग्लोबिन में जो होती है वो प्रॉब्लम होती है. हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज़ कम्पोज ऑफ थ्री काइंड ऑफ चेन्स, अल्फा चेन, बीटा चेन एंड गामा चेन. अल्फा चेन और वी कैन इधर से अल्फा ग्लोबिन चेन, बीटा चेन एंड गामा चेन. ठीक, दो अल्फा चेन्स होती है, दो बीटा चेन्स होती हैं, दो गामा चेन्स होती हैं. हीमोग्लोबिन की एंटायर चेन नहीं फॉर्म हो पाती है इस डिसीज़ में, इधर अल्फ़ा चेन की कमी होगी, दो में से कोई एक मिसिंग हो सकती है और बीटा चेन और गामा चेन. अब हीमोग्लोबिन में ये दोनों चेन का कॉम्पोजिशन जो होता है वो 97% होता है एंड इस चेन का गामा चेन का कॉम्पोजिशन जस्ट 3% होता है. तो इसलिए अगर जो पर्सन है डैट इज़ अफेक्टेड फ्रॉम गामा चेन के डिफेक्ट से वो अफेक्ट हो रहा है तो इतना कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं शो होते. अगर उसमें ये गामा चेन लैक कर रही है उसकी हीमोग्लोबिन में तो इतना इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, अब होता क्या है कि अल्फ़ा चेन अगर लैक करेगी, यानी कि अल्फ़ा चेन में मिसिंग है एक चेन, उसमें प्रॉब्लम है तो दैट विल कॉज अल्फ़ा थैलेसेमिया. बीटा चेन में प्रॉब्लम है तो बीटा थैलेसेमिया कॉज करेगी इसकी कमी से एंड गामा चेन में प्रॉब्लम है तो गामा थैलेसेमिया कॉज करेगा. ठीक, अल्फ़ा चेन जहाँ होगी, अल्फ़ा चेन अल्फ़ा ग्लोबिन चेन जो होती है उसके में डिफेक्ट जब होगा तो दैट विल कॉज अल्फ़ा थैलेसेमिया एंड उसमें एक और चीज़ होगी कि अल्फ़ा चेन कम है तो बीटा चेन का कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगा. क्यों, ये नॉर्मली ये कम मैन्युफैक्चर हो रही है तो बीटा चेन का कॉम्पोजिशन और गामा चेन का बढ़ जाएगा. तो होगा क्या, इनको इन दोनों को कॉम्पोजिशन में क्या करना होता है कि 97% कम्प्लीट रखना होता है. अगर ये कम होगा तो ऑब्वियस 97 को मेंटेन रखने के लिए बीटा चेन का कॉम्पोजिशन बढ़ जाएगा, गामा चेन विल रिमेन 3% ओनली. ठीक, अल्फ़ा चेन में बीटा चेन का कॉम्पोजिशन बढ़ेगा, बीटा चेन बीटा थैलेसेमिया में अल्फ़ा चेन का कॉम्पोजिशन बढ़ जाएगा एंड इसमें इन दोनों इसकी तो डेफिशिएंसी होगी ही होगी तो ये तो नॉर्मली इतना ही रहेगा. ठीक, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी चीज़ है, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड फिर से समझ सकते हैं आप लोग. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इसमें ये जो बेसिकली ये अल्फ़ा थैलेसेमिया की मैं पहले बात करती हूँ, अल्फ़ा थैलेसेमिया इज़ कॉज्ड बाय टू जीन्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट जस्ट अल्फ़ा थैलेसेमिया इसमें क्या होगा कि इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स. ये दो जीन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स. दो जीन्स कौन कौन से हैं, HBA1 एंड HBA2. HBA यानी कि हीमोग्लोबिन ए अल्फ़ा, हीमोग्लोबिन अल्फ़ा 2. ठीक है, अब दो जीन्स हैं तो इट्स ऑब्वियस कि दो जीन्स इक्वल्स टू 4 एलील्स, क्योंकि एक जीन इक्वल्स टू 2 एलील्स. तो दो एलील्स इसके होंगे एंड दो एलील्स इसके होंगे. अब होगा क्या कि इन चार में, ये जो चार टोटल एलील्स होगा इनमें से अगर कोई एक एलील जो है वो में से डिफेक्टिव हो गया, एक एलील डिफेक्टिव होगा तो डैट विल बी द साइलेंट कैरियर, द पर्सन विच इज़ अफेक्टेड इन विच ओनली वन सिंगल एलील इज़ अफेक्टेड, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड साइलेंट कैरियर ऑफ दिस डिसीज.
देन अगर टू एलील्स इफेक्टेड हैं तो दैट विल बी द माइनर कैरियर, अगर तीन इफेक्टेड है तो दैट विल बी इंटरमीडिएट कैरियर, यानी कि वो काफ़ी सिम्टम्स शो करेगा इस डिसीज़ के, दैट विल बी लिटिल बिट फैटल। एंड अगर फोर जी फोर एलील्स इफेक्टेड हैं देन द पर्सन मे देन दिस डिसीज़ कैन कॉज डेथ ऑल्सो इन फीटर्स और इवन आफ्टर द बर्थ, फ्यू मंथ्स आफ्टर द बर्थ। ठीक है, अल्फा थैलेसेमिया की यहाँ पे बात हो गई, या बीटा थैलेसेमिया के बारे में बात करते हैं। बीटा थैलेसेमिया भी दो जी, बीटा थैलेसेमिया जो है वो एक जीन से कंट्रोल होता है, HBB1 जिसे कह सकते हैं। बीटा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय जस्ट वन जीन विच इज HBB1 कह सकते हैं, और इवन सिंपली HBB हीमोग्लोबिन बीटा। ठीक, इसमें क्या होगा कि अगर एक, अब एक ही जीन है तो दो एलील्स होंगे, एक एलील एंड नेक्स्ट सेकेंड एलील, जिसमें से एक डोमिनेंट होगा एक रेसेसिव होगा। एज ही प्रीवियस केस में अल्फा में जो हम लोग ने पढ़ा था, तो दो एलील्स मिल रहे थे ना, तो दैट एक डोमिनेंट होगा ऑब्वियस एंड अदर वन विल बी रेसेसिव। नेक्स्ट थिंग, अब इसमें क्या होगा कि अगर एक एलील डिफेक्टेड है तो दैट विल बी द साइलेंट कैरियर, एंड अदरवाइज अगर दोनों इफेक्टेड हैं दैट विल बी द मेजर कैरियर ऑफ दिस डिसीज, साइलेंट और इधर वी कैन से माइनर कैरियर जब एक एलील इफेक्टेड है। ठीक है, देन गामा थैलेसेमिया के बारे में बात करेंगे। गामा थैलेसेमिया का ज़्यादा कोई कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं क्योंकि इट जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स 3% टू द हीमोग्लोबिन ना, 3% होता है गामा थैलेसेमिया का कॉन्ट्रीब्यूशन, गामा चेन्स का कह सकते हैं। एंड इसमें अल्फा और बीटा दोनों नॉर्मल रहेंगे, अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स दोनों नॉर्मल रहेंगे, जस्ट द हीमोग्लोबिन विल लैक गामा ग्लोबिन चेन्स। ठीक है, ये एक ही जीन से कंट्रोल होता है, दैट्स ऑल फॉर दिस गामा थैलेसेमिया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है कोर्स में। देन अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसमें हेमोलिटिक अनीमिया इसका एक सिम्टम है, हेमोलिटिक अनीमिया, लॉस ऑफ ब्लड सिम्टम्स में हेमोलिटिक अनीमिया लॉस ऑफ ब्लड होता है, दैट कैन ऑल्सो कॉज जॉन्डिस, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन भी इसमें कॉज होता है, enlargement of liver and spleen, so these are the symptoms for this disease। and इसके care के लिए, इसका cure करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता because ये बहुत ही fatal disease है, तो इसका cure के लिए regular blood transfusion method होता है, that is just for the cure of this disease, और इसका cure जो है वो permanent नहीं है। All right, so that's all for this video. If the video helped you out, then please hit like button to this video. Next video mein I'll provide the explanation for comparison between thalassemia and sickle cell anemia. Thank you for watching this video. If the video helped you out, hit like button to this video, subscribe my channel, press the bell icon, share my videos to your friends and your loved ones. Thanks for watching, bye bye.